हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड यू आर वाचिंग देसी व्लॉग्स। तो आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर से स्कूटर्स फर्स्ट टाइम आपको एक साथ जो है एक टाइम पे आपको इतने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिखा रहे हैं। आपको बता दूँ, आज जो आया ना, हम फैक्ट्री में आए हुए यहाँ पे मुंडका में, और आपको फैक्ट्री विजिट करवा रहे हैं। यहाँ पे कितने स्कूटर्स हैं, कितने मॉडल्स हैं, और अगर बात करें तो ये जो लोकेशन है वो फैक्ट्री है, और ऑफिस बात करें तो रानी बाग में है, श्योल किंग के नाम से। आप पहले से जानते होंगे हांडा जी को, तो उनको बुलाना चाहूँगा यहाँ पे, संजीव हांडा जी को, और उनसे बात करेंगे यहाँ पे जितने मॉडल्स हैं ना उसको लेकर। और आज जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, हमारे सामने ये मॉडल है और कलर ऑप्शन भी हैं। तो कैसे सर आप? नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये लोकेशन कौन सी है, यहाँ पे इतने सारे मॉडल्स हैं, कमेंट्स आते हैं कि अवेलेबल हो पाएगा नहीं पाएगा, हमारी पूर्ति हो पाएगी नहीं पाएगी, तो उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है कि एक साथ इतने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इतने मॉडल्स, इतने कलर ऑप्शन लेके आज हम आए हैं फैक्ट्री में। क्या डिटेल है जी? वासु इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। आपको हम फैक्ट्री दिखा रहे हैं, मुंडका हमारी फैक्ट्री है। आप देखिए इसमें कितने कलर हैं, कितने मॉडल हैं, आपको जैसा कलर चाहिए वैसा कलर हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप अपनी पसंद का कोई कलर बनवाना चाहते हैं, मान लो कि आपको अपनी चॉइस है, डबल कलर, ट्रिपल कलर, ड्यूल टोन, जो भी आपको चाहिए हम आपको अवेलेबल करा देंगे। आप देखिए हमारा पूरा स्टॉक है, ये कल ही मॉडल हमारे सारे तैयार हुए हैं। ये पूरा स्टॉक देखिए हमारा, ये पूरा अभी तैयारी, अभी कुछ मॉडल भी रह गए हैं, कुछ कलर रह गए हैं, अभी हमारा फिलहाल पूरे मॉडल हमारे तैयार हैं। आप इसमें हमारे पास यहाँ पर तीन मॉडल खड़े हैं, हमारे पास ईगल है, क्यूट है, और एक हमारा वेस्पा में है, एक हमारा यानी कि रेज कह लो, वेस्पा कह लो, उसमें मॉडल है हमारा। मुंडका हमारी है, आप कभी भी चाहे रानी बाग में, आपको कोई लेना तो रानी बाग हमारे पास आ सकते हैं। हमारे लिए आप, हमारी लोकेशन के लिए आप कभी भी वासु इंटरनेशनल ई बाइक डालिए, लोकेशन में जाके हमारी लोकेशन आपको मिल जाएगी, वासु इंटरनेशनल ई बाइक। और बाकी आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे 9991074743 9991074743 पे, आप अपना कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप मैसेज व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी डिटेल, कोई डिटेल आपको चाहिए हम आपको डिटेल दे सकते हैं। आप चेसी देखिए, अभी नया मॉडल हमारा अभी जल्दी तैयार हो जाएगा, ये भी चेसी हमारी तैयार होगी, चेसी बन गई है हमारी, ये भी नया मॉडल जल्दी हम इसी वीक में लॉन्च कर देंगे। मॉडल हमारी नए मॉडल चेसी है, ये जाए कस्टमर की, डीलर की हमारी डिमांड आती है, हमारे को ऐसा मॉडल चाहिए, क्योंकि हर इंडिया के जितने भी स्टेट है, हर एक की सड़कें या हर एक का हिसाब, हर एक की सड़कें या लोगों की चॉइस अलग अलग तरह की होती हैं, तो हम उसी चॉइस के हिसाब से आपको माल, आपको मॉडल दे सकते हैं। आप चाहे जेल बैटरी में लीजिए, चाहे आप लिथियम आयन में लीजिए, लिथियम फॉस्फेट में लीजिए, आप किसी भी जैसे चाहे और जैसा बजट आपका हो उसी बजट में हम दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम ऑर्डर 40 पीस का देना पड़ेगा, और 40,000 से नीचे गाड़ी आपको नहीं मिल सकती, 40,000 विद बैटरी। अच्छा, विद बैटरी। आपको इस मॉडल की बात करते हैं, हमारा ईगल मॉडल है। तो इस वीडियो में कवर करेंगे हम, ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये सिंगल मॉडल है, कलर ऑप्शन आपके पास काफी है। और कई भाइयों के ना कमेंट आ रहे थे कि भाई ऑफिस पे जाते हैं तो स्कूटर्स नहीं मिलते हैं, स्टॉक नहीं रहता है, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो हम आज लेके आए हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होंगे, कितने मॉडल्स हैं, कितने कलर, जो आप बोलोगे ना वही आपकी डिमांडें पूरी हो जाएगी, चाहे वो ग्रीन कलर की बात करें, चाहे ब्लैक वाइट, जो कलर आपके मन में हो वही कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं। मॉडल्स भी अलग अलग हैं, डिज़ाइन भी अलग अलग हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो लाने का पर्पस था कि स्टॉक पूरा है, और ये जो लोकेशन है वो मुंडका है, और भी कई अपनी जो ब्रांचेज हैं, हमारी ब्रांचेज बहादुरगढ़ में भी है हमारी, मुंडका है हमारी, दो फैक्ट्री है मुंडका में, बहादुरगढ़ में भी है हमारी, और तीन चार जगह फैक्ट्री है हमारी, जल्दी हम आपको गुड़गांव में हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ भी आपको माल मिलेगा आपको। तो आपको अपनी चॉइस बताइए, डील करने के लिए अगर बात करें सर, तो आपको रानी बाग ऑफिस ही आना पड़ेगा। आप चाहे तो फैक्ट्री यहाँ भी देख सकते हैं, आप फैक्ट्री देखना चाहें फैक्ट्री आपको दिखा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में जैसे माल अब हमारा तैयार हो गया, हमारा स्टाफ यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी आपको कोई कलर, आप कलर चॉइस कीजिए, कलर आपको सारे दिखाई देंगे यहाँ पर, कलर आपको सारे मिलेंगे, हर चीज़ की चॉइस, जो आपकी अगर शोकर आपको हैवी चाहिए शोकर आपको हैवी करा सकते हैं, आपको कोई भी थोड़ा बहुत चेंज होगा वायरिंग में, मीटर में, या आपको हॉर्न में, या किसी चीज़ में, शोकर में, या ब्रेक में, डिस्क ब्रेक में, सिंगल चाहिए, डबल चाहिए, या कैसी छोटी ब्रेक चाहिए आपको, मतलब बड़ी डिस्क चाहिए या छोटी डिस्क चाहिए, इन जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा, कंट्रोलर आपके हिसाब से हम बना देंगे। हम इसमें हाई स्पीड में जल्दी जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में आपको हाई स्पीड का मॉडल भी हम दे रहे हैं, ईईसी मॉडल हमारा रहा है, वो भी हम आपको दे रहे हैं, मीटर में काम चल रहा है, और उम्मीद है नंबर प्लेट वाला मॉडल आपको नेक्स्ट मंथ एंड से हम आपको देना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं इस ईगल मॉडल की, तो ये ईगल मॉडल है हमारे सामने, और कलर ऑप्शन भी हैं, कई सारे पांच कलर ऑप्शन है आप देख सकते हैं, तो इसकी डिटेल एक बार बताएंगे सर। डिटेल देखिए, अब इसकी क्वालिटी देखिए, एक
मजबूत मॉडल है ये, बहुत ही कलर इसके हैं। हमारे कलर में एक खास होते हैं, हम कलर एक स्पेशल करवाते हैं जो कि धूप के अंदर, बारिश के अंदर, गर्मी सर्दी बरसात में आपका कलर फेड नहीं होगा, ये कलर फेड नहीं होगा। बैटरी ऑप्शन हमने इसमें जेल बैटरी का ऑप्शन दिया है, लिथियम आयन भी है, लिथियम फास्फेट, तीनों बैटरी जो हमारा कंट्रोलर है तीनों बैटरियों पर काम करेगा। बल्कि आपको ये दिखा, जैसे गाड़ियों में आग लगती है नॉर्मली, क्यों लगती है कि इसका जो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोलर तो इनका होता है जेल बैटरी के हिसाब से बना होता है, यानी कि एसिड बैटरी से, और ये उसमें लिथियम फास्फेट या लिथियम आयन बनाते हैं जिसमें कि कंट्रोलर में कंट्रोलर जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसको कैच नहीं ढंग से कर पाता, तो उससे किसी ना किसी को हीट होकर गाड़ी में आग लग जाती है। सबसे बड़ा कारण जो है ना यही है कि आप वायरिंग हल्की करते हो, क्योंकि देखो हमारी कंट्री में क्या है कि कस्टमर को समझाया था, कस्टमर को, कस्टमर की डिमांड होती है सस्ता, वो कस्टमर कभी ये नहीं पूछता था कि आपका अगर पीस औरों से 2000-4000 महंगा है तो क्यों महंगा है, ये रीज़न क्या है महंगा की। देखो लेज़र कलर इसके आप व्हील में देखिए कलर, हम इसको, हम कस्टमर के पैसे की पूरी वैल्यू आपको देना चाहते हैं कि आप ऐसा खर्च कर रहे हैं कि देखिए जो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के मेन जो हमारे कंज्यूमर है वो थोड़ा नीचे के तबके के, यानी कि उनको एक मीडियम क्लास में है, मीडियम क्लास वालों को एक पैसा बहुत मुश्किल से हम इकट्ठा कर रहे हैं। हम एक मीडियम, मैं एक मीडियम क्लास से हूँ, मैं कोई हाई क्लास से नहीं, मैं एक मीडियम क्लास से हूँ, तो हमें पता है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। आप गए कस्टमर, आप गए शॉप पे, गए शोरूम में, गए उन्होंने कहा ये स्कूटर मैं आपको 40,000 दे रहा हूँ, 50 का दे रहा हूँ, आपको 60 का दे रहा हूँ, लेकिन कम से कम उससे पूछिए चेसी कितने किलो की, चेसी कैसी बनाई है आपने, वायरिंग कौन सी, उसकी वायरिंग का हमारे को सैंपल दिखाइए, क्या वायरिंग वाटरप्रूफ है, क्या आपका जो व्हील है एल्युमिनियम में उसकी गारंटी क्या है, कि उसमें कौन सा लोहा, फर्स्ट का लोहा लगा रखा है, सेकंड का लोहा। देखो इसका रेट कम करने के लिए आपको इसमें बहुत प्रोडक्ट लगते हैं, बहुत आइटम लगती हैं, बहुत पार्ट्स लगते हैं, आप हर पार्ट्स को रेट डाउन करते जाइए आपका रेट कम आ जाएगा, लेकिन आपके स्कूटर की लाइफ साल से दो साल में आपका स्कूटर खत्म हो जाएगा, यानी कि आपको लगेगा मैंने क्या खरीद लिया। आप मान लो 100 रुपये रोज का पेट्रोल का बचाते हो, अगर एंड में जाओगे सस्ता स्कूटर लेके, आपको इससे अच्छा आपकी पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा बेटर थी आपसे जो आपने सस्ता स्कूटर लिया। अब कई लोग चेसी यहाँ इंडिया में बनाते हैं, चेसी में क्या होता है, जब तक चेसी में केमिकल नहीं लगेगा उसकी, जैसे आपके घर की ग्रिल है या कुछ भी है वो फिर भी हैवी होती है, कोई पाइप लगा होता है आपका, तो आप सोचते हो कुछ टाइम बाद एक दफा बारिश में उसमें जंग लग जाता है, जब तक आप उसको पेंट नहीं करेंगे, और चेसी में आप पेंट नहीं कर सकते। अगर आप गर्ल की ग्रिल या उसमें पेंट भी करेंगे ना किसी पाइप में, वो कुछ टाइम बाद पाइप भी आपका गल जाएगा, पाइप खत्म हो जाएगा। तो चेसी हमें हैवी चाहिए, कम से कम 24 किलो की चेसी चाहिए, और उसको एसिड में उसका टेस्ट करके 3 दिन एसिड में डुबोने के बाद, उसका केमिकल उसके करने के बाद, ताकि उसमें कभी रस्ट ना लगे, उसके बाद चेसी बनानी चाहिए। लोग करते हैं सस्ते के चक्कर में चेसी में केमिकल का वो नहीं करते, तो एक साल में चेसी गल के खत्म हो जाती है आपकी गाड़ी, खत्म हो जाए, और चेसी गारंटी कोई देता नहीं है। कोई जो हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चर या जो भी इंपोर्टर हैं, जो भी असेंबल करते हैं, वो आपको सिर्फ 4 चीज़ों गारंटी देते हैं, वो आपको ये मोटर, कंट्रोलर, बैटरी, चार्जर, और बैटरी वाली कई कंपनी अगर बंद होगी तो भाई उसमें आपको गारंटी मिलनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कई सेकंड के सेल की बैटरी बना के आपको सस्ते से सस्ता माल देने की कोशिश करते हैं, जो कि सेकंड के सेल से क्या होगा, आग लगने का डर रहता है, एक तो आग लगने, और बैटरी की लाइफ एक साल बाद खत्म होती है। हमारी बैटरियाँ 3-3 साल 4-4 साल चल रही हैं, एक आध बैटरी में अगर हमारी कंप्लेंट आई होगी, अगर पानी डलने की, देखो वाटर प्रूफिंग की अभी कोई गारंटी नहीं है, अगर पानी में बैटरी लिथियम आयन या लिथियम फास्फेट में अगर पानी जाएगा तो उसकी गारंटी नहीं है, तो थोड़ा पानी से बचा के चलिए, जल्दी ही हम आपको वाटर प्रूफ बैटरी दे देंगे, जल्दी वाटर बैटरी दे देंगे, थोड़ा सा यानी कि रेट का 1000 से 1500 का फर्क पड़ेगा आपको, आपको वाटर बैटरी मिल जाएगी IP67 65। कोशिश करें IP67 में जाएंगे कि और अच्छी बैटरी आपको वाटर प्रूफ हम दे देंगे IP67 में। अब इसकी बात करते हैं, इसमें आप जेल बैटरी भी लगा सकते हैं इसमें आप, ये दोनों अभी कौन सी, वैसे अगर ये ईगल मॉडल है, ये हमारा ईगल मॉडल है, ये बैटरी अगर कौन सी इसमें आप जैसे चाहे, जैसे देखो आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग रेंज चलना है, ज़्यादा आपको किलोमीटर चलाना है, तो आप लिथियम फास्फेट में जाएं, लिथियम आयन में जाइए। अगर आपको मुश्किल से 50-60 किलोमीटर चलानी है तो आप जेल बैटरी से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है। जेल बैटरी में क्या बेनिफिट आपको कि ये बैटरी 100 रुपये किलो के हिसाब से 110-95 इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है, पुरानी बैटरी आपको चेंज हो जाती है, आपकी पुरानी बैटरी बिक जाती है, आपको उसके बदले नई बैटरी मिल जाती है। एक बैटरी का वेट कम से कम 7 से 7.5 किलो होता है, यानी एक बैटरी में 700 रुपये आपको मिल गए, और बैटरी का रेट जो पड़ता है 2300 से 2400 पड़ता है, 700 रुपये आपके लेस हो गए, तो आपको एक साल में इसका खर्चा 5 से 6 हज़ार रुपये के आसपास ही आएगा। अच्छा, वैसे बैटरी जो जेल बैटरी है, हमारी बैटरी की जो लाइफ होती है 1.5 से 2 साल तक बैटरी चलती है। अगर फैसिलिटी है वैसे बैटरी एक्सचेंज, हाँ हम बैटरी एक्सचेंज करके आपको दे सकते हैं, पुरानी बैटरी आपसे लेके हम दे सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी बैटरी 1.5 से 2 साल चलती है, अगर आप कुछ प्रिक्यूशंस लेकर चलेंगे, सिस्टम से स्कूटर को यूज़ करेंगे, तो बैटरी आपकी 1.5 से 2 साल चलती है, हमारे कई कस्टमर की चल रही है, और लॉन्ग रेंज आपको मिलती रहेगी। अगर आप थोड़ा सा इसकी बैटरी को, इस स्कूटर को कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना है, आप हमसे समझेंगे तो हम आपको हर चीज़ आपको समझाएंगे, और आपकी बैटरी की लाइफ इसी की बैटरी ये लिथियम आयन का ही मुकाबला करेगी। इसमें सिर्फ एक कमी है कि जब ये 5 या 10% रहती है इसकी स्पीड कम हो जाती है, लिथियम में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें ये कमी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पैसे बच रहे हैं। अगर लिथियम की बैटरी आपको 30,000 की पड़ती है तो ये बैटरी आपको 12 से 15 हज़ार की पड़ेगी 50%, यानी कि उसके बाद बाई बैक गारंटी होगी इसकी, यानी कि जेल बैटरी आपको सस्ती पड़ती है
लिथियम के हिसाब से, अगर आप सही तरीके से जेल को यूज़ करें आप, उसका वजन जरूर जेल का ज़्यादा होता है, लिथियम थोड़ा वजन कम होता है, लेकिन लिथियम की रिप्लेसमेंट बाईबैक बहुत ही कम होती है, 2000, 4000, 5000 उससे ऊपर उसकी बाईबैक नहीं होती, क्योंकि उसका सिर्फ BMS ही काम आता है, सेल कई बार छांटने पड़ेंगे, सेल सारी बैटरी खोलनी पड़ेगी, अच्छे सेल मशीन में छांटने पड़ेंगे और दोबारा बैटरी बना के मार्केट में डाल सकते हैं, लेकिन उस बैटरी की लाइफ ज़्यादा नहीं होगी बैटरी लाइफ। चलिए अब इसकी वायरिंग में जाएंगे। अब आपको इसकी सबसे स्पेशल चीज़ गाड़ी में है, कई कस्टमर की हमारी डिमांड है ये अंडर द आपको आपकी पॉकेट के हिसाब से बनाई है, लेकिन क्वालिटी इसमें अच्छी दी हमने, फ्रंट में डिस्क भी दे रखी है, फुल डिस्क क्वालिटी है, फुल डिस्क अभी भी आपकी कम से 5 साल 7 साल आपकी डिस्क खराब नहीं है, मैकेनिज्म से बहुत अच्छा मैकेनिज्म दे रखा हमने, मैकेनिज्म इसका आप मैकेनिज्म देखिए, अंदर से मैकेनिज्म दे रखा हमने कि अंदर से बाहर से नहीं दे रखा, आप इस डिस्क की सिर्फ सफाई करेंगे, कभी भी गाड़ी को पानी डायरेक्ट पानी से नहीं धोएंगे, प्रेशर से नहीं धोएंगे गाड़ी को, आप इसको गीले कपड़े साफ कीजिए, डिस्क साफ रखिए, इसकी मोटर साफ रखिए, आपकी गाड़ी ये 10 साल तक कहीं जाएगी। वैसे एक बात और है कि आप कहीं से भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ले, लेकिन आपको सारे पॉइंट्स जो है ना आज हांडा जी ने बता दिए कि आप कैसे प्रिकॉशन रख सकते हैं सेफ्टी के परपज से, आप स्कूटर किससे लीजिए हमें को, लेकिन सेफ्टी रखिए इसकी। देखो कुछ मैन्युफैक्चरिंग की अगर 1% मैन्युफैक्चरिंग कमी हुई है, 10% मैन्युफैक्चरिंग कमी हुई तो उसमें 10% कस्टमर की भी गलती होती है उस चीज़ को संभालने में, उस चीज़ की गारंटी में लेने के लिए, अगर आपने उस पर पैसे खर्च किए थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर का ये जीरो मेंटेनेंस स्कूटर है हमारे, लगभग वैसे सभी के जीरो मेंटेनेंस स्कूटर होते हैं, सर मेरे नहीं, लगभग सभी के जीरो मेंटेनेंस होते हैं, मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, जैसे आप घर का पंखा है, आपके घर की मोटर है, सेम इसमें वो है, बस इसमें कंट्रोलर लगा हुआ है, उसमें हमारे कंडेंसर लगा होता है, बस एक सर्किट का हिसाब होता है, तो आप इसमें आप अगर ढंग से यूज़ करें ना, किसी भी कंपनी का स्कूटर ढंग से यूज़ करेंगे तो आपको वो अच्छी लाइफ मिलेगी। जो इस पर ज़्यादा ओवरहेड मत कीजिए, इसकी कैपेसिटी 150 से 200 किलो है, लेकिन आप कोशिश कीजिए 150 किलो से ऊपर इस पर वजन मत डालिए इस वाले मॉडल की, इस 150 से 200 किलो कैपेसिटी है, तीन जने बैठ के आपको चला के दिखा देंगे, हम तीन जने बैठा के चला के दिखा देंगे, आप गाड़ी आराम से भागी, कोई दिक्कत, अभी टेस्ट ड्राइव आपको दे देंगे हम 300 किलो की। आप लिथियम आयन डालिए, इसकी रेंज जो है ना, अगर आप जेल डालेंगे तो इसकी रेंज 50 से 60 किलोमीटर है, थोड़ी इसकी मोटर हैवी है, मतलब इसकी स्ट्रॉन्ग मोटर, लेकिन इसकी कंट्रोलर से मैचिंग होने की वजह से इसकी एवरेज में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका हमें कंट्रोलर है, एडवांस कंट्रोलर दिया है, स्मार्ट कंट्रोलर दिया है। किसी को अगर रेंज ज्यादा चाहिए होगा हांडा जी अगर, तो लिथियम फास्फेट अगर यूज करना चाहें पैसे दे के, तो क्या रेंज मिल जाएगी? आयन या लिथियम फास्फेट इसमें एक बार चार्ज करके 160 से 180 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, लेकिन डिपेंड करता है आप गाड़ी कैसे चलाते हो। ये नहीं मैंने अगर 160 के 160 चलेगी, आप 200 चला सकते हो उसको, उसके लिए आपको गाड़ी के बारे में कुछ समझना पड़ेगा कि इसकी रेस फालतू एकदम हाई नहीं देनी, आप पहले गियर में गाड़ी चलाइए, जा दूसरे गियर में चलाइए गाड़ी, इससे पर थर्ड गियर में गाड़ी मत चलाइए, जब आपकी रेस खत्म हो जाए तो आप इस थ्रोटल को बंद कर दीजिए, इसको आगे मत बढ़ाइए, उसमें थ्रोटल बंद कर दीजिए, क्योंकि बैटरी ज़्यादा करंट नहीं लेगी और आपकी बैटरी ज़्यादा चलेगी, ठीक है, दूसरा मोटर पर लोड नहीं पड़ेगा, खाम खाम मोटर, वैसे इसमें सेंसर होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार देखो इलेक्ट्रिक चीज़ है, कई बार सेंसर में कुछ ना कुछ जैसे कमी हो सकती है, तो आप कोशिश कीजिए जब आपकी मीटर पे स्पीड 40 की मान लो आ रही है, 20 की आ रही है, 15 की आ रही है, उसका स्पीड नहीं बढ़ी तो थ्रोटल से छेड़खानी मत करिए, थ्रोटल को छोड़ दीजिए। इसमें हमने क्रूज कंट्रोल दे रखा है, आप एक बटन दबाएंगे उसी स्पीड पे आपकी गाड़ी चलती रहेगी। इस वाले में ये टी का ऑप्शन, हां ये टी का ऑप्शन आपको दिखा रहा हूं, टी का ऑप्शन देखिए, ये क्रूज कंट्रोल है। अच्छा ये टी वाला जो ऑप्शन है, क्रूज कंट्रोल है, इसमें क्रूज कंट्रोल दे रखा है, एक कांस्टेंट स्पीड पे जो है ना आपकी चलेगा, एक कांस्टेंट स्पीड चलेगा, कंट्रोल रिवर्स भी है, इसमें ऑप्शन भी है, वन बटन रिपेयर भी है, हॉर्न भी है, सब कुछ है, मतलब कि आपको हर फैसिलिटी इसमें आपको मिलेगी। आप मीटर में देखिए, इसमें आप डिजिटल मीटर, कलर मीटर, आपके हर फंक्शन आपके मीटर पे आते रहेंगे, आप बार बार देखिए, ये देखिए सारे फंक्शन आपको मीटर पे मिलेंगे, लाइट, इंडिकेटर, हर चीज़ आपको मिलेगी, आपको पूरी स्पीड, बैटरी पूरी एग्जैक्ट आपको बैटरी बताएगा, सिर्फ 5 से 10% इसमें गड़बड़ हो सकती है, आपको पूरी 60 वोल्ट की बैटरी चल रही है आपके यहाँ से, 72 वोल्ट आप ऑप्शन देख रहे हैं इसमें, ये इन ऑप्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एरर शो करेगा इसमें, मतलब एक स्मार्ट, इसमें हमने स्मार्ट जो है कंट्रोलर स्मार्ट दिए, हर एरर कोई आएगा, एरर आपके मीटर पे इसमें, जैसे आप कार में देखते हैं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका जो सिंबल आ जाता है, ऐसे इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसके स्पीड की बात करें तो स्पीड देखो, स्पीड हम लिमिट के साथ इसको हम हाई स्पीड में लेके आ रहे हैं, हाई स्पीड में पासिंग के लिए गया हुआ है, इसकी स्पीड आपको 70 की स्पीड हम आपको इसको दे देंगे इसमें आपको, लो स्पीड में इसकी जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से लो स्पीड आपको इसमें मिलेगा। और अब आपके बाद दिखाएंगे ग्लास, इस किसी को चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है। अच्छा, ये जो एसेसरीज लगी हुई है सारे इंक्लूड है, सब एसेसरी इंक्लूड है, ग्लास इंक्लूड है, मैट की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मैट इसको ऐसा बनाया है कि आपको मैट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये शिकायत आती है कि मैट उड़ जाता है। अच्छा, ये इनबिल्ट मैट है, इन बिल्ट मैट है, आपको मैट एक्स्ट्रा नहीं लगाना, इस बस सफाई कीजिए अच्छी प्लास्टिक, घिसेगा नहीं आपका, कभी भी नहीं घिसेगा, ये इसमें इनबिल्ट मैट हमने दे दिया है। इसमें पीछे अगर बात करें तो ड्रम, पीछे डिस्क, पीछे डबल डिस्क है, आप देख सकते हैं डबल डिस्क है इसमें, और डबल डिस्क के साथ साथ हैवी सस्पेंशन, आप अगर शोकर देखें, शोकर बहुत हैवी लगाएंगे शोकर,
पर कि आपको शोकर से कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आपको शोकर हैवी लगा रखे हैं और ये देखिए बाकी गाड़ी की सेफ्टी आपकी अपनी खुद आपको सेफ्टी करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। शोकर इसके हैवी है लेकिन शोकर हैवी का मतलब है नहीं कि आप एक गड्ढों में या पत्थरों के ऊपर या इसके ऊपर चलाएं, ऐसा नहीं करना आपने, बल्कि एक बिल्कुल एक अपने आपने पैसा खर्च किया तो इसको सही से इस्तेमाल करना है। गाड़ी कम हर गाड़ी कंपनी मजबूत ही बनाती है, बाकी कस्टमर के यूज़ पे है कि कस्टमर वो कैसे करता है, कैसे चला, बिल्कुल सही रेट की बात। अब रेट आप जानना चाहेंगे इसका, देखिए अब सस्ते हमारे मॉडल सस्ते नहीं होते क्योंकि हम इसमें क्वालिटी लगाते हैं, क्वालिटी यूज़ करते हैं हम इसमें, हम सस्ते मॉडल नहीं होते। क्यों सस्ते करने में चेसी घटिया बनानी पड़ेगी और आपको छः महीने या साल में आपकी गाड़ी में कमी आनी शुरू हो जाएगी, गाड़ी में शोर मचना शुरू हो जाएगा, गाड़ी खड़खड़ करने लग जाएगी और आपको पता लगेगा कि आपका नुकसान हो गया और आप हमें या बनाने वालों गाली दे। बिल्कुल सही बात है, सस्ते के चक्कर में लाइफ साइकिल जो होती है इसकी बहुत कम हो जाती है, फिर आपको वो डबल ही पड़ जाता है, डबल पड़ जाता है बिल्कुल। ये इसकी लाइफ कम से कम स्कूटर की लाइफ हमारी 10 साल स्कूटर की लाइफ है कम से कम, जो हमें चीज़ में लगाई, जो पेंट लगाया, जो हमने इसका पी जो इसका हमने प्लास्टिक इस्तेमाल किया है जो हमने, वो कम से कम इसकी लाइफ 10 साल है। उसमें सिस्टम हम जो इसमें फिटिंग की है, कसने का ऐसा सिस्टम किया है, वो ऐसा है कि आपका आराम से ये नहीं टूटेगा ना। इसका कहने का मतलब है कि एक और पैसा लगा के आप 10 साल तक फ्री फ्री आप बिल्कुल जा रहे हैं। चेसी चेसी की हम 5 साल की वारंटी देंगे चेसी में आपको हम, चेसी में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मोटर कंट्रोलर में फिलहाल हम 1 साल, आप चाहें तो इसकी 2 साल 3 साल 5 साल की वारंटी ले सकते हैं, लेकिन उसके हम चार्ज लेंगे आपसे, हम सर्विस के चार्ज लेंगे। जीरो मेंटेनेंस हमारी गाड़ी है, मेंटेनेंस आपको कराने की जरूरत नहीं है। अब रही अब आते हैं इसके रेट के ऊपर, इसका जो रेट है जो आपको 60 वोल्ट जेल बैटरी के अंदर आपको इसका रेट मिलेगा विद इंक्लूड GST 64,000 रुपीज़, ओनली 64,000 में आपको ये गाड़ी दे रहे हैं हम। 64,000 में जेल बैटरी के साथ इंक्लूड जीएसटी, इंक्लूड जीएसटी दे रहे हैं आपको विद वारंटी 1 ईयर वारंटी हर चीज़ की, बैटरी मोटर कंट्रोलर चार्जर और 5 साल की चेसी की वारंटी के साथ हमको दे रहे हैं आपको कि आपको ओनली 64, ये सिर्फ फेस्टिवल ऑफर है हमारा इसलिए आपको दे रहे हैं हम। और आपको MOQ हमारा 40 पीस होगा, 40 पीस आपको लेने पड़ेंगे हमसे, 40 पीस मिनिमम ऑर्डर जो है वो 40 पीस का रहेगा। ये 64,000 इंक्लूड जीएसटी है और बैटरी आपकी 1.5 से 2 साल चलेगी, 1 साल की वारंटी हम आपको देंगे, आप चलाएंगे 1.5 से 2 साल बैटरी इसकी चलेगी। बहुत ही नॉमिनल हमने प्राइस निकाला एक मार्केट में कि इसकी अगर लाइटों पे जाएंगे ना आप, लाइटें इसकी बहुत ही DRL लाइट है, बहुत ही LED लाइटें हैं इसकी, आप देखेंगे लाइटें देखिए इसकी बहुत अच्छी लाइट है आपकी, इंडिकेटर बहुत अच्छा इसका हर लाइट में, या आपको किसी भी चीज़ में कहीं कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। आपको हॉर्न सही है, आप इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर हर चीज़ आपको, यानी कि देखिए इंडिकेटर भी है, हर चीज़ आपको इसमें मिलेगी विद आपका क्रूज कंट्रोल बहुत कम गाड़ी में मतलब क्रूज कंट्रोल, और आपको क्रूज कंट्रोल। तो भाई वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है, तो आपको सारे फीचर्स के साथ इंक्लूडेड GST प्राइस आपको बता दिया है, सारे कलर ऑप्शन दिखा दिए हैं, मॉडल आपको दिखा दिए हैं। वीडियो का पर्पज यही था कि आपको एक नई लोकेशन पर आज आपको लेके आए हैं जहाँ पे आपको हज़ारों इलेक्ट्रिक स्कूटर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टॉक नहीं है ऑफिस पे, आप इसीलिए पर्पज यही था कि आपको स्टॉक दिखा दे यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ना एक अलग से दूसरा मॉडल लेके आएंगे, वो भी बहुत प्यारे कलर में, प्यारे मॉडल हैं, प्यारे डिज़ाइन के साथ आपको सेकंड वीडियो में आपको लेके आएंगे। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, वीडियो अच्छी, वीडियो शेयर करें, मन में सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।